यस सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चैप्टर कौन सा है ये? चैप्टर 4। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एज यू नो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वी कैन चेंज ओनली द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम एनर्जी के फॉर्म को केवल चेंज कर सकते हैं, न तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बताया कि एनर्जी को सबसे पहले ये माना जाता था कि मास को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, जैसे एनर्जी के बारे में था कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट आफ्टर सम टाइम्स आइंस्टीन प्रूव दैट मास कैन बी चेंज इन टू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी चेंज इन टू मास। मास से एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको आइंस्टीन ने बताया। और एक चीज और मैं आपको बताया था कि मास कांस्टेंट होता है, कहीं भी अगर हम जाते हैं अर्थ पे तो कहीं भी जाएंगे तो मास कांस्टेंट रहेगा। अगर मास को हम किसी दूसरे प्लेनेट या सैटेलाइट पे लेके जाते हैं तो भी मास जो है क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चेंजिंग कोई नहीं होगी। बट आइंस्टीन ने इसको बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। बाद में और साइंटिस्टों ने इसको प्रूव किया कि अगर मास के पार्टिकल्स की वेलोसिटी सनलाइट के वेलोसिटी के इक्वल हो जाए या ग्रेटर हो जाए तो मास भी बॉडी का चेंज हो जाएगा। ये बहुत अधिक स्पीड हो जाएगी, मास के पार्टिकल्स का स्पीड सनलाइट के स्पीड के अगर इक्वल हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मास चेंज हो सकता है, जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है। अभी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसा मैं आप लोग को फिगर ड्रा करके दिखाया था कि चौरीबरी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। व्हेनेवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। जब एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होती है तो टोटल का टोटल मास उसका क्या होता है, कंजर्व रहता है, मतलब एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इन अदर वर्ड्स व्हेन एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होती है तो एनर्जी में न तो कोई गेन होता है और न कोई लॉस होता है। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम, मीन्स क्वांटिटी ऑफ एनर्जी बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू द एनर्जी आफ्टर ट्रांसफर, मास ऑफ एनर्जी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल, मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन के पहले जितनी एनर्जी रहेगी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी उतनी ही एनर्जी होगी। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जितना अमाउंट होगा उतना ही मैकेनिकल एनर्जी का भी अमाउंट होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सम एनर्जी मे बी वेस्टेड। हम लोग केमिस्ट्री में थोड़ा एक दिन डिस्कस कर रहे थे तो मैं शायद आप लोगों से कहा था कि जैसे मान लीजिए आइस है, आइस को अगर हम हीट करके मेल्ट करते हैं लिक्विड बनाते हैं, या लिक्विड को वाटर को हम लोग हीट करके वेपोरेट करते हैं, मतलब उसको वाटर वेपर में अगर चेंज करते हैं तो जितनी क्वांटिटी वाटर की होगी उतनी ही क्वांटिटी वाटर वेपर की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो निश्चित तौर पे हमारे एक्सपेरिमेंट में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, जहां से वाटर वेपर स्केप कर गया, निकल गया।
अगर टोटल वाटर को जैसे मान लीजिए आप घर में केतली देखे होंगे चाय की केतली, वैसे पॉट में वाटर को अगर आप बॉयल करते हैं और उसकी नली के ऊपर बिल्कुल एयर टाइट करके कोई पाइप लगा देते हैं, मान लीजिए बॉटल है, बॉटल को पाइप से कनेक्ट किए हैं, तो टोटल का टोटल जितना वाटर वेपर होगा वो वाटर के लिक्विड के इक्वल ही होगा, न थोड़ा कम न थोड़ा ज्यादा। और अगर कम आ रहा है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से वाटर वेपर लीक किया है या निकल गया है। उसी तरह से एनर्जी भी वन फार्म से अगर अनदर फार्म में चेंज होती है तो एनर्जी के अमाउंट में किसी प्रकार की कमी या मन इंक्रीजमेंट नहीं होना चाहिए, ना कमी होनी चाहिए ना बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं एनर्जी का वेस्टेज होता है। आई थिंक जो लोग किसान के घर के होंगे लगभग सबके घर ट्रैक्टर वगैरह होगा, नहीं होगा तो देख लेंगे अगल बगल से। खैर किसान लोग को नहीं पता लगता है क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटीज है ये किसान को पता नहीं लगता, बस किसान को ये पता है कि मेरा ट्रैक्टर 50 हार्स पावर का है, 50 हार्स पावर का है, 60 हार्स पावर का है, 45 का है, यही पता रहता हूँ। ट्रैक्टर अगर देखेंगे तो उसमें एक हार्स पावर होता है पीटीओ हार्स पावर, पावर टेक ऑफ हार्स पावर, और एक लिखा होता है बॉडी पे पूरा मोटे से लिखा होगा 50-60 जो भी लिखा रहता है, एक्चुअली वो हार्स पावर नहीं होता है, उसमें 2-3 टर्म्स होते हैं। जैसे 2200 आरपीएम पे जो हार्स पावर होता है वो मैक्सिमम होता है, 2200 आरपीएम पे जो गाड़ी का आरपीएम होता है, ट्रैक्टर का जो मतलब पावर होता है वो हाईएस्ट होता है 2200, 2500 नहीं, देखेंगे तो मीटर में 225 तक लिखा होता है, लेकिन 2200 पे उसका जो पावर होता है, जो पावर जनरेट करता है इंजन, वो मैक्सिमम होता है। उसपे मान लीजिए दिया हुआ है ट्रैक्टर का हार्स पावर 50 हार्स पावर दिया गया, 1 हार्स पावर में कितना वाट होता है, 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 46, 1 एचपी इज इक्वल टू 746 वाट को हम लोग कहते हैं 1 हार्स पावर। लेकिन जब आप ट्रैक्टर से कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आप खेत जोत रहे हैं, प्लाउ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे तो 50 हार्स पावर इंजन जनरेट नहीं कर पाता है, वो अधिक से अधिक बहुत करेगा 50 का अगर है तो 42-43 हार्स पावर तक करेगा, इसके बाद नहीं। तो फिर हार्स पावर कहाँ चला जाता है इंजन का, जो भी हम लोग पढ़े कि एनर्जी लॉस हो जाती है, जैसे जो उसके पार्ट्स होते हैं उनमें फ्रिक्शन होता है, ट्रैक्टर पार्ट जो होते हैं उसमें अंदर फ्रिक्शन होता है, जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो देखते हैं चेन का गियर से फ्रिक्शन होता है ना, या आपका जैसे व्हील है, व्हील में देखेंगे वो घूरा लगा हुआ है, शाफ्ट लगा हुआ है, उसमें अंदर जो है गोली वगैरह लगी रहती है तो भी आपस में रगड़ती रहती है। उसी तरह ट्रैक्टर में आगे से पीछे पावर भेजने में कई जगहों क्या होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जैसे कुछ तो उसके व्हील पे चली जाती है, पीछे वाले दोनों चक्के चलते हैं केवल ट्रैक्टर के, आगे वाले दोनों नहीं चलते, अभी जो नया आया 4-wheel drive उसमें चारों चक्के चलते हैं, अदरवाइज जो ही व्हील चलता है। तो कभी कभी जब आप चलाते हैं तो स्लीपेज होता है खेत में, देखेंगे तो एक ही जगह पर नाचने लगता है चक्का, हॉर्न वगैरह अगर ज्यादा लग जाएगा या टाली वगैरह में ज्यादा लोड है, और गियर शिफ्टिंग में कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है, कुछ हाइड्रोलिक में हो जाती है, ठीक है, और कुछ अगर मान लीजिए आपका एयर क्लीनर वगैरह गंदा है उधर से एनर्जी लॉस हो जाती है। तो हम पूरा का पूरा 50 का 50 कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, और इंजन 50 का 50 हार्स पावर जो है वर्क करने के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाता है, उसी हार्स पावर को, जिस हार्स पावर से कोई भी मशीन वर्क करती है उसको हम लोग कहते हैं पीटीओ हार्स पावर, पावर टेक ऑफ हार्स पावर, जितना वो यूज करती है, मतलब उससे अधिक वो लगा नहीं सकती हार्स पावर। जैसे आप लोग सिंपली बाइक में देखोगे, बाइक पे हेलो दिमाग खराब है, जैसे आप बाइक में देखोगे लिखा होता है
बुक उसका देखेंगे मैनुअल में देखा तो 85 माइलेज लिखा हुआ है, 85 किलोमीटर पर लीटर, लेकिन अब रोड पे आप लेके चलते हैं तो 60, 55, 52, 53, 54, बहुत अच्छा तो 65 तक आप नहीं पहुंच पाते। ऐसा क्यों? फ्रिक्शन की वजह से, लोड की वजह से, रोड की वजह से, तमाम ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसपे 85 हमको नहीं मिल पाता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी लॉस हो सकती है, वन फार्म टू अनदर फार्म करने में एनर्जी लॉस हो सकती है, तो इसलिए उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, जितनी हमारी एनर्जी लॉस हुई उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, तब हमारा क्लियर जो है या सही आंसर आ पाएगा। Although some energy was wasted during conversion, but the total energy of the system remains the same. Conservation of energy during the free fall of a body, वो जो हम लोग पढ़े थे उस दिन, suppose we have a ball of mass m and we raise to it a height of h. Suppose करिए ये ball है, यहाँ पे ग्राउंड ए पे कोई बाल है, इसको हम बी पे ले जाते हैं जिसकी हाइट है एच, और बाल का मास है एम। द वर्क डन इन द राइजिंग द बाल गिव्स इट ए पोटेंशियल एनर्जी टू एम जी एच, और बाल को जब हम यहां से यहां तक ले जाते हैं तो इसका क्या हो जाता है, इसमें एनर्जी आ जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर किसी बॉडी को हम लिफ्ट करते हैं तो उसको लिफ्ट करने में कुछ हमको वर्क करना पड़ता है और वो वर्क उस बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ जो इसकी एनर्जी हो जाएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगी एंड इट इज इक्वल टू एम जी एच। उस दिन का आपको मैं बताया हूं, यहाँ जो है जब बॉडी यहाँ पहुंच के रख देंगे आप रेस्ट में हो जाएगी, तो यहाँ पर इसकी जो कैनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी MgH हो जाएगी, और दोनों को ऐड जब हम करके मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करेंगे तो हो जाएगा MgH। ठीक है, लेट अस अलाउ द बॉल टू फॉल डाउनवर्ड्स। एज द बॉल फॉल्स इट्स हाइट h अबव द ग्राउंड डिक्रीजेस एंड दस द पोटेंशियल एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस। अब कह रहे हैं कि बॉल को मान लीजिए यहां से फॉल करा दीजिए, मान लीजिए ये हाइट तक ये नीचे आ जाती है सी पे, तो इसकी हाइट क्या हो जाती है एच माइनस एक्स। अब बाल की हाइट कितनी हो गई, एच माइनस एक्स हो गई, तो जैसे हाइट डिक्रीज होगी वैसे क्या हो जाएगा, बाल का पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसको हम लोग निकाले थे। और जैसे ये बाल फॉल करेगा तो इसकी जो है कैनेटिक एनर्जी कुछ बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें मूवमेंट आ जाएगा, वो हम लोग निकाले थे MgX आया था, यहाँ नीचे से x माने थे, ऊपर h माइनस एच माने थे, यहाँ x माने थे, मान लीजिए इसकी हाइट अगर x लेंगे तो पॉइंट सी पे जो इसका हम लोग निकालेंगे कैनेटिक एनर्जी हो जाएगा MgX हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी एम जी एच माइनस एम जी एक्स, मीन्स के इसका हो जाएगा सी पे एट सी के इक्वल टू एम जी एक्स, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी एच माइनस एम जी एक्स, एम जी एक्स एम जी एक्स कैंसिल होकर हो जाएगा एम जी एक्स। यही बॉडी जब फॉल होगी बिल्कुल ग्राउंड पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, तो यहाँ पे इसकी हाइट जीरो हो गई, हाइट जीरो होने से पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और इसका यहाँ अगर वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे और फिर कैनेटिक एनर्जी अगर निकालेंगे हाइट ए पर, तो के इक्वल टू हो जाएगा एम जी एच और बी इक्वल टू हो जाएगा जीरो, मीन्स टोटल एनर्जी जो हो जाएगी वो एम जी एच हो जाएगी। इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, यही चीज आपको एक फिगर के माध्यम से दिखा रहे हैं, बाल बना के कैसे कैसे जो है इंक्रीज और डिक्रीज होगी, एक एग्जांपल भी लिए हुए हैं। जैसे पॉइंट ए पे आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल है और कैनेटिक एनर्जी जीरो है,
दोनों एनर्जी का सम 20 जूल है। पॉइंट बी पे देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा कम हो गई, 15 जूल हो गई, और कैनेटिक एनर्जी 5 जूल हो गई। फिर अगर हम उन दोनों का सम निकालते हैं तो 20 जूल हो जाता है। सी पे 10 जूल हो गया, दोनों 10 ऐड कर दिए 20 हो गया। और पॉइंट डी पे जब हम आते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल हो गई और कैनेटिक एनर्जी 15 जूल हो गई, और सम निकालते हैं तो 20 जूल हो गए। और पॉइंट ई पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई और कैनेटिक एनर्जी 20 जूल हो गई। इस तरह से जब इसका हम सोल्यूशन निकालते हैं तो हो जाता है 20 जूल। द एनर्जी ऑफ बॉल थ्रोन अपवर्ड इज आल्सो कंजर्व्ड। अगर द एनर्जी ऑफ ए बॉल थ्रोन अपवर्ड इज आल्सो कंजर्व्ड, अगर किसी बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वहां भी यही फार्मूला लगेगा। जैसे फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए है वैसे क्या होगा अपवर्ड बॉडी के लिए भी है, क्योंकि एक निश्चित हाइट पे जाके बाल की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। ए स्विंग सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज बिकॉज ए स्विंगिंग सिंपल पेंडुलम इज ए बॉडी हुज एनर्जी कैन आइदर बी पोटेंशियल आर कैनेटिक आर ए मिक्सचर ऑफ पोटेंशियल एंड कैनेटिक बट इट्स टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम रिमेन्स द सेम। सिंपल पेंडुलम में जो स्विंग कर रहे हैं, स्विंग करता है पेंडुलम, तो इसमें दो तरह की एनर्जी होती है, कैनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। और ये एनर्जी कभी कभी मिक्स भी हो जाती है, कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मिक्स भी हो जाती है, जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं। अगर मान क्वेश्चन में देखिए फिगर में जरा, मान लीजिए कि पहले बॉडी जो है पेंडुलम ए पे है, ठीक है, इस पे हम फोर्स लगा के इसको मान लीजिए सी तक ला देते हैं। लाने में जब हम फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे, वर्क करेंगे, तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी। फिर यहां से छोड़ दें तो बॉडी कहां आ जाती है, ए पे आ जाती है, ठीक है। यहां तक लाए तो बॉडी सी तक केवल पी रहेगा, केवल सी तक लाए। सबके पास बुक नहीं है क्या है, तो बुक में जरा देखिए, सी तक अगर लाएंगे तो उसमें केवल पी रहेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम उसका जो है लेंथ है, अब उसके ऊपर नहीं जाएगा वो, ठीक है, वहां केवल पी रहेगा। और जब वहां से उसको छोड़ दें तो जैसे जैसे इसका पी घटता जाएगा वैसे वैसे के क्या होगा बढ़ता जाएगा, और पॉइंट ए पे जब आएगा तो ऑटोमेटिक इसका जो होगा पी खत्म हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ने लगेगा तो के घटने लगेगा, पी बढ़ने लगेगा, ठीक है, और फिर पॉइंट ए पे जा पॉइंट बी पे जाके यहाँ जो है के 0 हो जाएगा और पी हो जाएगा मैक्सिमम। फिर वहां से जब पीछे की तरफ करेगा रिटर्न करेगा तो वहां से पी घटना शुरू होगा और कई बढ़ना शुरू होगा, फिर ए पे आके पी 0 हो जाएगा और टोटल के ही हो जाएगा, फिर जब सी पे जाएगा मैक्सिमम के ही हो जाएगा, पी हो जाएगा, के 0 हो जाएगा। बात में समझ रहे हैं, तो ये सिंपल पेंडुलम में भी वही होता है जैसे कि हम अभी फ्री फॉलिंग बॉडी का पढ़े थे। लेकिन किसी भी कंडीशन में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल, चाहे वो बॉडी सी पे हो, चाहे बॉडी ए पे हो, चाहे बॉडी बी पे हो। द बॉडी विच डज वर्क लूजेज एनर्जी एंड बॉडी ऑन विच वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो बॉडी वर्क करती है वो अपनी एनर्जी को लूज करती है, और जिस बॉडी पे वर्क किया जाता है वो बॉडी क्या करती है, उस एनर्जी को गेन करती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो मान लीजिए बॉडी ए बॉडी बी के लिए वर्क कर रही है, तो बॉडी ए की एनर्जी धीरे धीरे लूज होती जाएगी, मीन्स खत्म हो जाएगी, और टोटल की टोटल एनर्जी बी में कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए बी भी वर्क करती है तो उस एनर्जी से अब बी जो है कोई और वर्क करेगी, और धीरे धीरे इसकी एनर्जी लूज होती जाएगी और किसी अदर बॉडी की एनर्जी जो है बढ़ती जाएगी। मतलब एक तरह से हम देखेंगे तो एनर्जी का एक साइकिल होता है, एक साइकिल होता है जो हमेशा चलता रहता है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से
इसी रूल को या इसी लॉ को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।